नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में, और हम चर्चा कर रहे हैं कल्चरल ज्योग्राफी के टॉपिक कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, विश्व की धार्मिक संरचना पर। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्मों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धर्मों का उदय इस सृष्टि के प्रयोजन, प्रकृति और उद्देश्य संबंधी कुछ विश्वासों के रूप में हुआ है, और आगे चलकर उनका विकास विश्वासों की ऐसी सुसंगठित पद्धति से हुआ है जिसने लोगों को एक सूत्र में बंधे समाज के रूप में आबद्ध रखा है। धर्मों का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि विश्व में धार्मिक संरचना अत्यंत जटिल है। प्रत्येक धर्म में विभिन्न आस्थाओं के समावेश से अनेक मजहब, पंथ व संप्रदायों का विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रमुख धार्मिक तंत्र एवं 13 मुख्य धर्म पाए जाते हैं। नृजातीय धार्मिक तंत्र, सार्वभौम धार्मिक तंत्र और खंडीय धार्मिक तंत्र। नृजातीय धर्मों में जो प्रमुख 6 धर्म हैं, उनमें से सामान्य धर्म, यहूदी धर्म, सिंतो धर्म, वियतनामी कोरियाई धर्म, चीने चांदोक्यो और हिंदू धर्म। सार्वभौम धर्म में बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पूर्वी धर्म और इस्लाम धर्म मुख्य हैं। खंडीय धर्मों में 3 धर्म सम्मिलित हैं, जिनमें सिख धर्म, जैन धर्म और काउदाई चांदोक्यो प्रमुख हैं। उपरोक्त संरचना में नृजातीय धार्मिक तंत्र की जनसंख्या कम, न्यूनतम क्षेत्रीय विषमता एवं सांस्कृतिक समरूपता पाई जाती है। इनकी धार्मिक क्रियाएं प्रकृति द्वारा प्रभावित होती हैं। ये धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए अधिक प्रयत्नशील नहीं दिखाई देते। सार्वभौम धार्मिक तंत्र के धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और पर्याप्त साधन संपन्न है, इसलिए अपने धर्म के प्रचार में अपने धन का प्रयोग करते हैं। इनके धर्मावलंबियों की संख्या में वृद्धि हुई है, और इनमें प्रमुख रूप से ईसाई और इस्लाम धर्म अग्रणी है। 6 शताब्दी तक इस्लाम धर्म अरब तक सीमित था, परंतु अब इसका प्रसार विश्व के विशाल भूभाग पर हो चुका है। खंडीय धार्मिक तंत्रों के अंतर्गत धर्म का संबंध विशेष सामाजिक वर्ग से है। सिख व जैन धर्म, बौद्ध धर्म की भांति हिंदू धर्म के ही संप्रदाय हैं, जिनकी धार्मिक क्रियाएं व अनुष्ठान हिंदू धर्म की भांति हैं। इन्हें हिंदू धर्म से पृथक समझना उचित नहीं है, क्योंकि ये इसी से निकली हुई शाखाओं के रूप में स्वीकृत हैं। इसी प्रकार दक्षिणी वियतनाम में काउदाई और कोरिया में चांदोक्यो धर्म पाया जाता है। विश्व के प्रमुख धर्मों में बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, कन्फ्यूशियस धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म उल्लेखनीय हैं। भारत के जैन धर्म और सिख धर्म, फिलिस्तीन का यहूदी धर्म, जापान का सिंतो धर्म, चीन का ताओ धर्म और मूलतः फारस की खाड़ी के पारसी धर्म छोटे धर्मों में गिने जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं ईसाई धर्म की। इसकी स्थापना ईसा मसीह के काल में लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुई। संस्थापक के रूप में नजारेत के जीसस, जिनका जीवन क्रम ईसा पूर्व 4वीं सदी से ईसा पश्चात 29 तक रहा, वे लंबे समय तक प्रतीक्षित हिब्रू मसीहा थे। ईसाई धर्म की स्थापना न्यू टेस्टामेंट से होती है, जिसमें ईसा मसीह की शिक्षाएं और उनके प्रारंभिक अनुयायियों, खासकर सेंट पॉल के उद्गार संग्रहित हैं। विस्तार, विश्व भर में प्रसार, संपूर्ण विश्व की लगभग 33% जनसंख्या इस धर्म से संबंधित। मान्यताओं के क्रम में पारंपरिक ईसाई धर्म ग्रंथ का सार कि
ईसा ईश्वर के बेटे थे जिन्होंने विश्व के कल्याण के लिए जन्म लिया, सूली पर चढ़े, पुनर्जीवित हुए और मानव मात्र का इंसाफ करने के लिए फिर आएंगे। ईसाई धर्म आज्ञाओं का मुख्य हिस्सा कमांडेंट या दिशा निर्देश हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल ईसाई धर्म में जीसस का स्थान सर्वोपरि है। मान्यता यह है कि उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुद्धार में ही ईश्वर का प्रकाश ऐतिहासिक वास्तविकता के रूप में प्रकट हुआ। ऐतिहासिक तौर पर ईसाई धर्म यहूदी धर्म से निकला है, इस दावे के साथ कि जीसस ने ओल्ड टेस्टामेंट के वायदे संपूर्ण होते हैं। प्रारंभिक चर्च ने खुद को सच्चा इज़राइल घोषित किया। मूल चर्च जेरूसलम भी है, लेकिन अन्य जगहों पर चर्चों की जल्दी ही स्थापना की गई। सेंट पॉल ने उदार ईसाई धर्म की स्थापना और उसके प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई, जो यहूदी धर्म के कड़े नियम विधानों से मुक्त था। नया धर्म रोम साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेजी से फैला था। ईसा से संबंधित मूलभूत धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या में मत भिन्नता में जब कैथोलिक चर्च के विभाजन का संकट उत्पन्न हुआ, तो अगले कुछ वर्षों में विस्पो ने एक मानक ईसाई मत को सूत्रबद्ध किया। मुख्य सिद्धांत का प्रतिपादन त्रियक परमेश्वर के रूप में किया गया, यानी एक ही ईश्वर तीन रूपों में है। यहाँ पर रोम साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित प्राचीन चर्चों की परंपरा को मानने वाले चर्च हैं ये प्राच्य ऑर्थोडॉक्सी। रोम और नेस्टोरियन तथा मेनोफाइसाइट चर्चों के में रसूख रखते थे। प्राच्य परंपरानिष्ठ चर्च सिर्फ एकता विषयक या सार्वभौम परिषदों के साथ धर्म सिद्धांतों को ही मान्यता देते हैं और पश्चिम में सम्मिलित किए गए सिद्धांतों का खंडन करते हैं। पवित्र संस्कारों की संख्या ऑर्थोडॉक्स और परंपरानिष्ठ चर्च में वही है जो पाश्चात्य कैथोलिक चर्चों में है। रोमन कैथोलिक में रोम के कैथोलिक चर्च की मान्यताओं और परंपराएं हैं। ये चर्च रोम के विशेष पोप के अधीन रहते हैं और विशप और पीटर और एपोस्टल्स का उत्तराधिकारी माना जाता है। इस चर्च का मूल बिंदु वैधानिक तंत्र है, यानी सिद्धांत और परम संस्कार पदतंत्र के अधिकार क्षेत्र मान्यता के अधीन। रोमन कैथोलिक अनुयायियों का मानना है कि उनका ही चर्च पवित्र और ईसा का सच्चा चर्च है। रोमन कैथोलिक उपासना में भास परम संस्कार का महत्व है, जिसमें ईसा के बलिदान और उनके पुनर्जागरण दिवस का सर्वोच्च महत्व मानते हैं। दूसरे परम संस्कार में बपतिस्मा, आस्था की पुष्टि, कन्फेशन, कबूलनामा, विवाह, ऑर्डिनेशन और एक्सट्रीमम कुल 7 संस्कार हैं। ईसा की माता और अन्य संतों का आदर किया जाता है। इसके बाद में बात आती है इसी से जुड़े हुए प्रोटेस्टेंटवाद की। इसमें वो चर्च आते हैं जो 16वीं सदी भी संत मार्टिन लूथर के पुनर्गठन काल में रोम से पृथक हुए थे। प्रोटेस्टेंट पद का प्रयोग लूथर के अनुयायियों ने किया। लूथर ने डाइट ऑफ इस्पारियस ईसा सन 1529 में उस मत का विरोध किया जो आगे के सभी सुधारों को अमान्य करते थे। प्रोटेस्टेंटवाद बाइबल के उसी संदेश को केंद्रीय महत्व का मानता है जो पापियों को क्षमा करने की सीख देता है। इस चर्च में भी सभी अनुयायियों की भागीदारी और पादरी बनने पर जोर दिया जाता है। आइए बात करते हैं इस्लाम धर्म की। ईसाई धर्म के पश्चात यह विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और विश्व में लगभग 20%
इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। इसके स्थापना ईस्वी सन 622 में, संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब, स्थान पश्चिमी मध्य पूर्व एशिया, मध्य एशिया और उत्तर अफ्रीका, प्रमुख मान्यताएं एकेश्वरवादी अल्लाह, इस ब्रह्मांड के रचयिता, सर्वशक्तिमान, न्यायपरायण और करुणामय है। मानो अल्लाह की सबसे सुंदर रचना है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं और उसमें पाप की प्रवृत्ति है। पवित्र ग्रंथ के रूप में बात करें तो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों में फरिश्ता ग्रेबियल के द्वारा मोहम्मद साहब को प्रकाशित अल्लाह की वाणी, कुरान और पैगंबर के कथनों का संग्रह हदीस प्रमुख है। सार संक्षेप में, अरबी भाषा में इस्लाम का धर्म अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण से है। ये मक्का, अब सऊदी अरब में जन्मे मोहम्मद साहब को अल्लाह से मिले प्रकाश पर आधारित है। मोहम्मद साहब का जीवन काल लगभग ईस्वी 570 से 632 का है। अल्लाह का प्रकाश कुरान के रूप में मिला। कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या सुन्ना में है, जो प्रचलित परंपराओं का संकलन है। ये दोनों इज्मा के सिद्धांतों पर चलते हैं, जिसकी मान्यता है कि अधिकांश इस्लाम के अनुयायी किसी गलत बात पर एकमत नहीं हो सकते। कुरान, सुन्ना और इज्मा इस्लाम के तीन आधारभूत स्तंभ हैं। इस्लाम में आस्था का महत्व सर्वाधिक है, और थोड़े में इसका अगर सार कहें तो यह मान्यता है कि एक ही ईश्वर है और वह अल्लाह है। मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। दिन में नमाज अदा करना 5 बार, ये इनके उसमें प्रभु के स्मरण का प्रमुख तरीका है। खलीफा या मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार को लेकर हुए प्रारंभिक विवाद से इस्लाम में कई संप्रदाय बने। सबसे महत्वपूर्ण सुन्नी, सिया और ख्वारिज हैं, जो परंपराओं और कानून के मामले में अलग राय रखते हैं और आधुनिक संप्रदायों में बहाई और बहावी हैं। आइए बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 13.5% हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। उत्पत्ति ईसा से करीब 3000 वर्ष पूर्व मानी गई है। संस्थापक हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, इसलिए इसे आदि सनातन धर्म कहा जाता है। आधुनिक हिंदू धर्म की उत्पत्ति वैदिक धर्म से स्थानीय निवासियों की मान्यताओं और प्रथाओं के सम्मिलन से हुई। दुनिया भर में प्रसार, लेकिन भारत और नेपाल में सबसे अधिक अनुयायी हैं। इनकी मान्यता है एक ही परम सत्ता है और विभिन्न देवी देवता उसी एक सत्ता के विभिन्न आयाम हैं। जीव मात्र में उस सत्ता का अंश व्याप्त है, लेकिन उस परम तत्व से अलगाव के कारण जन्म जन्मांतर का अंतरहीन अनर्थक चक्र जारी रहता है, जो पूर्व जन्म के कर्मों के पाप पुण्य से निर्धारित होता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र करने या संसार से मोक्ष प्राप्ति के लिए पवित्र कर्म, विचार, ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता रहती है। पवित्र ग्रंथों में वेद, उपनिषद, जिनमें मिथकीय और दार्शनिक टीकाएं तथा कर्मकांड का ब्यौरा होता है। इसके अतिरिक्त देवताओं, संतों के आख्यानों का विशाल भंडार, भागवत गीता, महाभारत, रामायण और अनंत साहित्य। सार संक्षेप में अगर बात की जाए तो भारत के असंख्य लोगों की आस्था का संबल हिंदू धर्म सभी जीवों में आत्मा या परम तत्व का निवास मानता है। हिंदू धर्म में किसी तरह के पवित्र संगठन का कोई स्थान नहीं है, और किसी एक मान्यता या प्रथा में विश्वास करना हिंदुओं के लिए अनिवार्य नहीं है। हिंदू धर्म में ईश्वर विविध रूपों का पुंज या यथार्थ के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण शिव हैं, जो सृष्टा और संहारक दोनों हैं, और सामान्यतः 4 हाथों में नटराज की मूर्ति के रूप में दिखते हैं। ब्रह्मा रचयिता हैं और विष्णु शेष शय्या पर ब्रह्मांड का स्वप्न देखकर उसका अस्तित्व बनाए रखते हैं।
काली मृत्यु बीमारी और अराजकता की देवी है, जो कृष्ण जीवन के मूर्त रूप हैं। हिंदू लोग आत्मा की पवित्रता और सभी धर्मों के प्रति समदृष्टि रखने पर बल देते हैं। हिंदू धर्म कर्मकांडों में वेद के अनुरूप प्रथाओं और उत्सवों का महत्व है, जो जन्म विवाह मृत्यु को केंद्र में रख करके सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों में अभिव्यक्त होते हैं। हिंदुओं में देवी देवताओं के अनेक मंदिर होते हैं, जहां पूजा अर्चना की जाती है। अनेक तीर्थ स्थान भी हैं। बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना बौद्ध धर्म ईसा पूर्व 525 वर्ष लगभग ईसा के प्राचीन धर्मों में से एक विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। विश्व की कुल जनसंख्या 6% इस धर्म के अनुयायी धर्मावलंबी हैं। संस्थापक गौतम सिद्धार्थ ईसा पूर्व 563 से 483, जो बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, उनका जन्म दक्षिण नेपाल के पास लुम्बिनी में एक राजा के घर हुआ। श्रीलंका से लेकर चीन तथा जापान तक लगभग संपूर्ण एशिया में प्रसार है। बौद्ध धर्म के जैन और सोकागक्की संप्रदायों के हजारों अनुयायी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हैं। जीवन के प्रति इनकी मान्यताएं हैं कि जीवन दुखों का भंडार है, क्षयकारी है, इसका या इसके पीछे कोई अंतिम सत्य नहीं है। अवास्तविक सत्ता से लगाव और वासनाओं के कारण जन्म और पुनर्जन्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। सम्यक ध्यान, सम्यक कर्म से यह चक्र टूटेगा और निर्वाण की प्राप्ति होगी। पवित्र ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाओं, संघीय जीवन के नियम और शिक्षाओं पर दार्शनिक टिप्पणियों का संग्रह त्रिपिटक में है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और टीकाओं का विशाल संग्रह, जो ज़्यादातर सूत्र कहलाते हैं, उनमें मिलता है। सार तत्व के रूप में बात की जाए तो बुद्ध के अनुसार दुखों और कष्टों से मुक्ति का रास्ता आध्यात्मिकता और सांसारिकता का मध्य मार्ग है। उन्होंने चतुर्थुक सम्यक की बात कही, यानी जीवन दुखों का भंडार है, दुख इच्छाओं और वासनाओं के परिणाम से उपजते हैं, और इन वासनाओं से मुक्ति की राह सम्यक अष्टक मार्ग है। अष्टक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक जीवन, सम्यक विचार, सम्यक ध्यान और सम्यक प्रयास है। आइए बात करते हैं कन्फ्यूशियस बात की। तो कन्फ्यूशियस के मतानुसार भलाई मानव का स्वभाव गुण है। मानव को यह स्वाभाविक गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है, अतः ईमानदारी से भलाई के कार्य किए जाने चाहिए। विश्व की 2003 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर लगभग 64.5 लाख व्यक्ति इस धर्म के अनुयायी हैं। स्थापना ईसा पूर्व 500 साल। संस्थापक कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व से लेकर 479 का समय माना जाता है। उत्तरी चीन के लू प्रांत में इनका जन्म हुआ। वे चीन के अग्रणी दार्शनिक थे। स्थान ताइवान और दक्षिणी कोरिया। मान्यताएं, कन्फ्यूशियसवाद नैतिक नियमों का संस्थापित रूप भर है। उसे संस्थापित धर्म की संज्ञा सिर्फ उसके देवों और पूर्वजों के प्रति बलिदान की प्रथा के लिए दी जा सकती है। हालांकि कन्फ्यूशियसवाद किसी खास धर्मतंत्रीय ढांचे तक ही सीमित नहीं रहा है। पवित्र ग्रंथ में सूक्ति संग्रह आते हैं। सार तत्व में धर्म की ठोस परिभाषा में इसको नहीं मान करके फिट किया जाता, बजाय धार्मिक दर्शन या नैतिक व्यवस्था की तरह यह चलता है। चीनी लोग जू चालो विद्वानों की वाणी के रूप में इसे जानते हैं, और चीन के विचारों, शिक्षा और प्रशासन पर 2000 सालों तक इसका व्यापक प्रभाव रहा है। कन्फ्यूशियसवाद के अनुभवी आमतौर पर जिन सिद्धांतों को मानते हैं, उनमें दया, सत्यवादिता, सौम्य व्यवहार, ज्ञान और शुद्ध जीवन को स्वीकारते हैं। सबसे बड़ा शुद्ध जीवन ही सबसे बड़ा नैतिक धर्म परोपकार है। मुख्य सूक्ति है, अपने से छोटे को मान दो। यहूदी धर्म यह एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को भी नहीं स्वीकारते। विश्व में यहूदी धर्म को मानने वाले जनसंख्या लगभग 0.2% है। स्थापना ईसा पूर्व 1300 वर्ष की है। संस्थापक
यहूदी एकेश्वरवाद के महान विचारक मूसा का जन्म संभवतः मिस्र में गुलाम लेवी संप्रदाय के अमराम और जोकावेद के घर हुआ। मिस्र के कानून के अनुसार हिब्रू नर बच्चे को मार दिया जाता था। कहते हैं उनकी मां ने उन्हें टोकरी में घास फूस के बीच छिपा करके नील नदी में बहा दिया। फेरो की एक बेटी ने उन्हें पाया और जोकावेद की देखरेख में उनका पालन पोषण हुआ। दुनिया के लगभग 134 देशों में इसका प्रसार इसराइल और अमेरिका में सबसे अधिक मतावलंबी। मान्यताओं में एकेश्वरवादी ईश्वर इस ब्रह्मांड के रचयिता और शासक को स्वीकारते हैं। पवित्र ग्रंथ में तोरा या आध्यात्मिक शिक्षाएं, जो मुख्यतः बाइबिल, तालमुद, मिद्रास, तोरा की टीकाओं में सम्मिलित हैं। सार संक्षेप में, यहूदी धर्म विश्व के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्म के रूप में माना जाता है। ईसाई और इस्लाम दोनों धर्म इसी से निकले हैं। इसका नाम लैटिन शब्द जुडाइस और हिब्रू यहूदी से बना है। सिंटो धर्म प्राचीन काल में जापानी सभ्यता के साथ इसकी उत्पत्ति, प्राचीन धर्म संस्कृति और पुरखों की पूजा से इसका स्वरूप जुड़ा हुआ है। जापान प्रमुख स्थान है। मान्यताएं, सिंटो चीनी शब्द है जिसका जापानी भाषा में अर्थ है कामिनोमिची या ईश्वर का विधि विधान होता है। इसमें जापान में पैदा हुए धार्मिक विचारों और उपासना पद्धतियां जुड़ी हैं। कामी या देवों को प्रकृति को आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। देवों का वास नदी, वृक्ष, चट्टान, पर्वत, कुछ खास जानवरों और विशेषकर सूर्य और चंद्रमा में होता है। बाद में इसमें पूर्वजों, नायकों और दिवंगत सम्राट की उपासना भी जुड़ गई। कोई पवित्र ग्रंथ इसका नहीं है। संक्षेप में, सिंटो धर्म में कर्मकांडों और रीति रिवाजों की प्रधानता है। पूजा विधि में प्रार्थना, भजन, पवित्रता के कर्मकांड और चढ़ावा आदि शामिल हैं। सिख धर्म निराकारवादी धर्म है। इस धर्म के अनुयायी कर्म, पुनर्जन्म, निर्वाण और माया में आस्था रखते हैं। विश्व में लगभग इसके 24.2 मिलियन अनुयायी हैं, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 0.4% हैं। स्थापना सन 1500 ईस्वी में गुरु नानक देव जी के द्वारा, जिनका समय 1469 से 1539 का माना जाता है। स्थान दुनिया भर में छिटपिट आबादी, भारत के पंजाब में सघन आबादी। सिख धर्म के संस्थापक ने सिखाया कि ईश्वर एक। उन्होंने हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं और मूर्ति पूजा को नकारा। उन्होंने हिंदू समाज में जाति व्यवस्था को मिटाकर अपने अनुयायियों में भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख धर्म के अनुयायी सामान्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब में केंद्रित हैं। इस धर्म में इस्लाम और हिंदू धर्म की मान्यताओं को एक रूपता तलाशी गई है। गुरु नानक देव ने बताया कि हिंदुओं और मुसलमानों के ईश्वर एक ही हैं। उनकी परंपरा में 9 गुरु और हुए, जिनमें आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने खालसा पंथ चलाया। इसके बाद में सिख धर्म पंजाब में लोकप्रिय हुआ था। इसके बाद आता है, बात करते हैं ताओवाद की। ताओवाद एक अप्रगतिशील व भाग्यवादी विचारधारा है। इस धर्म के अंतर्गत सर्वेश्वरवादी सिद्धांत तथा अंधविश्वास का अच्छा खासा बोलबाला है। स्थापना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। संस्थापक स्थापना में चीनी दार्शनिक तथा प्रमुख धर्मगुरु लाओत्से का नाम आता है। चीन और ताइवान में प्रमुख रूप से पाया जाता है। और मान्यताओं में ताओवाद जीवन में सज्जनता, सरलता, पवित्रता और विनम्रता पर बल देता है। करुणा, उदारता और विनम्रता इसके मूल मंत्र हैं। पवित्र ग्रंथ इसका ताओचे चिंग है। तो ये विश्व के पाए जाने वाले प्रमुख धर्मों का एक कंपोजिशन स्वरूप था। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग धार्मिक संरचना का जो स्वरूप बनता है उसके अनुरूप आप इसको परीक्षा पे योग्य दृष्टि से तैयार करें। धन्यवाद।